हाय व्यूवर्स, आज मैं आपको बेबी डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग करना बताऊंगी। इसका बैक पल्ला मैं कट कर चुकी हूँ पहले से। इसके फ्रंट में जो डिज़ाइन मैं करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। इसकी फुल लेंथ जो थी 33 है और चौड़ाई जो थी वो 16 इंच है। आर्म होल्स यहाँ से 6.5 है, शोल्डर भी यहाँ से 6.5 लिए हैं। अब मैं बैक का पल्ला फ्रंट का कपड़ा बिछाती हूँ। ये व्यूवर्स इसके ऊपर इस तरह सेट कर देना है। व्यूअर्स यहाँ से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से ये बाकी सारा कपड़ा यहाँ मैं चुनट में लूंगी। यहाँ से सेम प्रोसेस होगा। ये व्यूअर्स यहाँ से सेम होगा, यहाँ तक कटिंग होगी। अब व्यूअर्स इसके ऊपर मैंने निशाना डाल दिए। यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये वाला हिस्सा नहीं कट करूँगी, जो नीचे वाला पल्ला है उसका यहाँ तक मैं इसमें कट करूँगी। यहाँ तक अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। यहाँ से शोल्डर को तिरछा कट करना है। अब बैक पल्ले को हटा देते हैं। अब इसका फ्रंट का जो आर्म होल्स है उसको गहराई में कटिंग करेंगे। और ये व्यूअर्स यहाँ तक कट करूँगी। ये कट कर ली है। ये यहाँ यहाँ पे व्यूअर्स इसकी चुनट्स आएंगी। ये मुकम्मल स्टिचिंग के बाद, तैयार होने के बाद इसका फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे बैक का जो था राउंड किया है, यहाँ से इधर से इसको भी मैंने पहले ही राउंड कर दिया था। अब व्यूअर्स स्टिचिंग करने के बाद और यहाँ पे मैं इसकी लेस ज्वाइंट करूँगी और सिंपल राउंड नेक है इसकी। स्टिचिंग के बाद इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। व्यूअर्स अब ये इस फ्रॉक की स्लीव्स की फुल स्लीव्स है, इसकी मैं कटिंग करना बताऊँगी आपको। यहाँ से 2.5 पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से इसको गोलाई में करूँगी। इसका हाफ डीप में होगा फ्रंट का। यहाँ से मोरी से 4 इंच है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर देती हूँ।
अब इसके फ्रंट के टू पीस उठा के इसकी गहराई की कटिंग करनी है, जिससे हमारे कमीज में चुनट नहीं पड़ती। ध्यान रखें कि पीछे के पल्ले ना उठे, और इससे आगे मैं बल स्लीव्स बना रही हूँ। इसका मार्जिन है, तो ये इतना आता है, और 4 इंच साढ़े चार पर मैं इसको राउंड करूँगी। ये व्यूअर्स, इसको मैंने 4.5 पर निशान लगा दी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये मुकम्मल फ्रॉक तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये व्यूअर्स इस तरह होगा, इसके ऊपर ऊपर लेस अटैच होगी। व्यूअर्स, ये मेरे फ्रॉक का फाइनल लुक है। I hope you like our video, so don't forget to like, share, subscribe, comment. Thanks for watching.